हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, एक न्यू सबक साथ न्यू ब्लॉग भी मैंने शुरू कर ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मस्त हूँ। तो गाइज, काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइज, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर ही से क्यों ना मैं आज ब्लॉग शूट कर लूँ। तो अभी चलते हैं यहाँ से कई किलोमीटर दूर। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, बाद में बताने वाला हूँ, लास्ट लास्ट टाइम। एंड हमारे पापा जी, तो पापा जी यहीं पे, क्योंकि पापा जी की ड्यूटी लग रखी है नगर पालिका में, तो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। एंड हाँ, तो अभी हम जाएंगे, फाइनली बता ही लेते हैं, करा नहीं जा रहा, पंजाब। हम आज पंजाब जाएंगे, तो अभी यहाँ से हम चलेंगे 8:30 बजे करीब। तो दिन भर का ट्रैवलिंग होने वाला है गाड़ी पे, और थोड़ा सा आपको मौसम का अपडेट भी दे देते हैं। तो मौसम देखिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा फॉग, यानी एक्चुअली गाइस मतलब यार क्या ही बोलें, अब तक यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती थी, लेकिन मौसम के कारण मतलब ठंड इतनी बढ़ गई है कि कंटिन्यू मतलब बारिश होती जा रही है। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम डामटा, और ये है गाइस डामटा की सीढ़ी हम देखते हैं, और इतने में ही नीचे है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है स्कूल। तो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल डामटा है, और हमारे साथ चाचा श्री हैं, ये भी जा रहे हैं आज हमारे साथ पंजाब। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, तो कई बार जा रखे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे बस 15 मिनट रुके हैं हम, ताकि हम यहाँ से एकदम चलेंगे आगे के लिए, ट्रैवलिंग करेंगे। 8:30 बजे चले थे हम घर से, और कंटिन्यू हम ट्रैवलिंग करते जा रहे हैं। 10:30 करीब बज चुके हैं, और दादी जी गाड़ी पे बैठे हैं, दोनों दादियाँ। और अभी हम यहाँ के जरा घूमने देख सकते हैं प्यारा है यहाँ से। तो मिलाते हैं आपको दादी से, और पूछते हैं दादी को कैसा लग रहा है आपको आज पंजाब जाते समय, मज़ा आएगा। और बाकी हम यहाँ से कंटिन्यू चलेंगे, लेट्स गो। और दोस्तों, गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं जी भाई, और गाड़ी लगी हुई है, और अभी हम दादी दादी तो हमारे दादी यहाँ पे साफ नहीं आ पा रहा है। क्या लग रहा दादी आपको, आज पंजाब जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा लग रहा है, हमारे दादी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ से मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शीशा है, तो जिस कारण से नहीं बता पा रहा हूँ। और बाकी आज करते हैं कंटिन्यू,
तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है 5-10 मिनट के लिए, जो नाश्ता नुश्ता कर सकता है यहाँ पे, आप आस्ते यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। रास्ते में यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल जाती है हमें नाश्ता करने को। तो दोस्तों हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ये पानी एकत्रित होर का है, यानी गाइस यहाँ पे एक डैम है जो कि पड़ता है यमुना नदी पर। तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है और ये डैम, इस डैम का नाम है मतलब जुड्डो डैम, तो उसे जुड्डो डैम बुलाते हैं। और ये एक लोहारी गांव को अपने साथ ले डूबा है, मतलब यहाँ पे लोहारी गांव था जो कि इस डैम में समा गया है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आजकल इसी मतलब लगभग इसी 1-2 साल पहले बन गया था ये शायद, मुझे लगता है। तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस डैम पे और आप देख सकते हैं जितना मैं गाड़ी से बता पा रहा हूँ, तो वैसे गाड़ी से इतना क्लियर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा दिक्कत होती है गाड़ी से। तो ये वो जुड्डो डैम है जो कि शायद यार गाइस मतलब बड़कोट से पड़ता है करीबन 40-50 किलोमीटर आगे, काफ़ी आगे ये डैम। ये यहाँ पे बिजली उत्पन्न करता है। अभी मुझे इस डैम के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, कभी अगर मौका मिले तो मैं कोशिश करूँगा इस डैम पे वीडियो बनाने की। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे के लिए कंटिन्यू, तो चलो बने रहिए ब्लॉग में, लेट्स गो। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम देहरादून एंड अभी हम उतरे बलपुर चौक। हमें जाना था सिमाद्वार लेकिन गाड़ी वाले ने थोड़ा सा मतलब रॉन्ग दे दिया, तो यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे। तो गाड़ी वाला था बोला कि यहाँ पे सड़क जाम लगा के मैं यहाँ से ऊपर वाली रोड से आऊँगा, ऊपर वाली रोड से गया और मैं नीचे वाली रोड से आ गया। मैं यानी हम सब चल रहे हैं राजा जी आगे, दादी और पीछे चल रहे हैं, चलते हैं कि सिमाद्वार, वहाँ पर एक दादी रहती है, यहाँ जाएंगे अभी थोड़ा आराम करेंगे, नाइट को यहाँ से शायद हम आज अपन जाके ले भी चल देंगे। तो चलते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, मतलब
हमारे बड़कोट काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे, मैं बोल नहीं सकता। तो दोस्तों फाइनली अभी हम जा रहे हैं सिमागार और हमें रास्ते में एक ऑटो, अभी ऑटो पे जा रहे हैं। अरे हमारे दादी जी, दादी जी के पूरे आ गए तो अभी हम जाएंगे सिमागार, वहाँ पे दादी का रूम है, रूम पे जाएंगे अभी, थोड़ा आराम करेंगे, चलते हैं। देहरादून और आप मेरे पीछे देख, इतनी बड़ी सिटी, इतनी बड़ी इमारतें, ये देहरादून की इमारतें हैं। और गाइज अभी मैं हूँ अपनी दादी के छत पे खड़ा, दादी का जो रूम है इसी मकान में नीचे, और आप देख सकते हैं कि देहरादून की सिटी किस प्रकार से है, इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं गाइज यहाँ पे। बट हमारे एरिया में ऐसे मकान नहीं देखने को मिलते हैं, कम दो तीन मंजिल के ज़्यादा, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े मकान, टावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया मकान तो गाइस, टावर छोटा लग रहा है, मकान बड़ा लग रहा है, लेकिन हमारे गांव तो ऐसा नहीं होता है। फाइनली यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप सीधे हैं मेरे ऊपर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और हमारे चाचा श्री, तो हम शाम के टाइम जाएंगे यहाँ से, शाम के टाइम यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन, जबकि यहाँ से है लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है मिनिमम इतना ही है, और फिर वहाँ से हम नाइट को रेल में बैठेंगे, फिर पंजाब की ओर जाएंगे। तो आपको बताते रहेंगे जो भी अपडेट मुझे दिख रहा है कि न्यू मैं आपको अपडेट देते रहूँ। वैसे मुझे यहाँ की जानकारी इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आते हैं तो मतलब हो ही जाता है, मतलब सही भी है सही भी नहीं है, यही बोले। तो चलते हैं कुछ समय बाद, और यहाँ से व्यू यार आ रहा है, वाह क्या व्यू है, तो चलते हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। गाड़ी भी इतनी ज़्यादा थक चुके थे कि क्या ही बोले, मेरे को ना नींद आ रही थी, मैं हमारे काका श्री बोल रहे थे कि ब्लॉग शूट क्यों नहीं कर रहा, क्या ही बताएगा, मैं पीछे मेरे को पीछे इतनी नींद आई थी कि मैं ब्लॉग शूट करने का पता ही नहीं पा रहा, मेरे को ब्लॉग भी शूट करना है, कोई नहीं कुछ क्लिप मैं आपको नहीं बता पाया था रास्ते में, उसके लिए आई एम सो सॉरी, शायद मौका मिले जाते समय तो शायद आपको बता दूँ। एंड बाकी अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर नाइट को चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली मैं सो के उठ चुका हूँ, और अभी हम यहाँ से तुरंत जा रहे हैं पंजाब के लिए, 5 बज चुके हैं, और ये हमारे दादी लेके इधर बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे कहाँ की तैयारी तुम्हारे, दादी ये पंजाब बिहार भी जा रहे हैं ना, दादी एक्साइटेड, तो आ जाएंगे तैयार हो, बिल्कुल तैयार, खान उठ चुके हैं और जाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार, यहाँ पे बैठे हैं दादी, दादी बैठे हैं, चाची भी पैकिंग चल रही है, बाकी सूखे सब उठते हैं, थोड़ा सा थकान भी निकल गई, चलते यहाँ से। तो दादी बोली कि अभी इंद्र वहाँ पर फोन लगा रही है, देखते हैं जब तक फोन रहेगा तब तो बनाएंगे, बाकी देख लेंगे। एंड अभी चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों फाइनल यहाँ से चल दिए हैं रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ पे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन होना है जाने के लिए, और उसके बाद कल सुबह सुबह के लिए हम पंजाब पहुँच जाएंगे ना, तो अभी हम वहाँ से चलेंगे हम यहाँ से चल दिए हैं, दादी यहाँ से जाने लग तैयार, तो अभी चलते हैं और रेलवे स्टेशन, तो अभी और भी आ रहे हैं, चलेंगे यहाँ से। तो नींद के बाद ना थोड़ा सा आराम हो रहा है, सुकून मिला, और तो चलते हैं गाइस यहाँ से अब रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से है अरविंद 4 से 5 किलोमीटर दूर, तो अभी हमें यहाँ से विक्रम तो कुछ भी मिलेगा उस पर चलेंगे, तो चलते हैं लेट्स गो। तो फाइनली हम चल चुके हैं, आप मेरे पीछे देखते हैं हमारी पूरी फैमिली है, और ये सभी चल रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन, और हम भी चल ही रहे हैं। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लाइफ टाइम, एंड कंटिन्यू
जारी चलते हैं रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं आके। तो यहाँ से काफ़ी जगह है पैदल। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन और हमारे साथ हमारे दादी देखो तो चले जा रहे हैं। तो अभी हमें काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पे आते आते, पहले तो हमें गाड़ी ही नहीं मिली, लास्ट में मिला। उतने आराम से चल रहा था कि यार क्या ही बोले उसको। तो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, टिकट टुकट भी काट दिए। और रेलवे देखो यहाँ इधर रेल लगी हुई है, देखो नीचे सारी रेल ही रेल है सारे टाइम। और इस साइड भी रेल, मतलब इधर और इधर साइड दोनों जगह रेल है। तो हम रेल के पास चलते हैं, देखते हैं कौन सी वाली है हमारी। तो जो हमारी आज ट्रेन है वो ये वाली है, तो हम इस वाली पे जाने वाले हैं आज। तो देखते हैं हमारा रूम कौन सा है ज़रा। हाँ चलते हैं, अभी काफ़ी लंबी है तो चलते हैं कंटिन्यू। और पीछे से सभी आ रहे हैं, तो चलो गाइस लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनल हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं और ट्रेन आप देख सकते हैं कि चल चुकी है। और बगल में दादी जी बैठी हुई यहाँ पे, यहाँ पे और राजा जी। तो और जो मेंबर्स हैं दूसरे वाले सीट में उधर उसके पीछे साइड। तो मज़ा आएगा ट्रेन में, फर्स्ट सफ़र है मेरा ट्रेन का। एंड बाहर अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने लग चुका है, 7:05 की हमारी ट्रेन थी। और देखते हैं कितने बजे तक पंजाब पहुँचाते हमें। वैसे तो मिनिमम सुबह 7-8 बजे तक पहुँचा ही लेगी। चलते हैं कंटिन्यू लेट्स गो। तो दोस्तों अभी खा रहे हैं लंच पैक जो कि हमें मिला है देहरादून के सेवाकारों के द्वारा। लंच पैक किए यहाँ पे रोटी, आलू की सब्जी और साथ में वाटर की बोतल, पानी और दरी भी खा रहे हैं यहाँ पे। और सभी नीचे होटल में खाने के लिए यहाँ पे सारे खा रहे हैं। तो लंच खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मस्त बना हुआ है, हमने चटनी लाई थी घर से, चटनी है कोई चुलुड़ी, चुलुड़ी बोलते हैं ये बनती है चुल्लू से। तो वैसे चुल्लू का सीजन भी आ गया है फाइनली। और खाना तो भाई बहुत गजब का है, फ्री में मिल रहा है। अगर आप भी आते हैं तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों फाइनली रात काफ़ी हो चुकी है, 8 घंटे पहले एक ट्रेन चल रही थी, अभी 10:00 के बाद यहाँ पे और बाकी नींद भी काफ़ी आ रही है। तो अभी मैं उस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म तो नहीं करूँगा, सुबह दिखाऊंगा आपको इधर का व्यू। शायद मैं दूसरा ब्लॉग बना ना पाऊँ, पता नहीं अभी क्या होता है जी आगे। एंड अभी थोड़ा सा सो लेते हैं फिर मिलते हैं आपको सुबह। गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। दोस्तों तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि आप करना है सुबह अच्छा ही होगा। तो हम फाइनली पंजाब पहुँच रहे हैं। तो रात भर हम ट्रेन में सफ़र किए, कितनी हालत डाउन हो गई इसी क्या ही बोले, मतलब नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो हल्ला इतना हो रहा था ट्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला, और अभी भी इतना हल्ला हो रहा है कि क्या ही बोले। तो अभी हम कंटिन्यू चलेंगे, तो यहाँ से हम गाड़ी पे जाएंगे, यहाँ से बस है, यहाँ से हम बस से जाएंगे ब्यास। तो चलते हैं कंटिन्यू। और देखिए आप भीड़ इतनी ज़्यादा है और मौसम भी इधर मतलब प्रदूषित इतना ज़्यादा है, क्लियर मौसम साफ है लेकिन पर्यावरण प्रदूषित भी प्रदूषित है। तो मतलब हमारे एरिया से इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है, मतलब क्या ही बोले। तो अभी हम चलते हैं कंटिन्यू और मेरी ये ब्लॉग में फिर वहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो जमा हो जाएगा, फिर ब्लॉग पता नहीं बनता कि नहीं बनता है। तो चलो चलते हैं अभी कंटिन्यू, और अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, यहाँ पे ऊपर चलेंगे हम यहाँ से। तो चलो गाइस लेट्स गो। और कहें हैं और अभी यहाँ पे सभी हमारे जो मेंबर्स हैं अभी कुछ और भी आए हैं गांव से, यही प्यार में सब यहाँ से इस प्रकार से बस आती है वहाँ ब्यास से, वो हम यहाँ से लेके जाती है मतलब
ब्यास के यहाँ पे हमें जाना होता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग चुकी है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। हम कुछ समय बाद हमारा फॉर्म भी जमा हो जाएगा। मौसम देख के मौसम क्लियर एकदम। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, शायद मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगा आज, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बस पे, फिर वहाँ पे उतरेंगे और फॉर्म जमा हो जाएगा, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। और करते हैं इस ब्लॉग को फिलहाल तो यहीं पे एंड। मिलेंगे एक जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद ये ब्लॉग आपके लिए थोड़ा सा देर में आया तो इसके लिए माफ कर लेना। यहाँ पे पता नहीं कब मैं बाहर आऊँगा वहाँ से, तो वीडियो एडिट करनी होगी, फिर आपको वो करनी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो आने में। तो सॉरी, तो चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू एंड ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। बाय।